जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत मध्य प्रदेश की संपूर्ण न्यूज के बारे में आप सभी को इस वीडियो में यहाँ पर जानने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चुनाव के पहले चालू की गई है, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत अब 1,000 रुपए नहीं, पूरे 2,000 रुपए मिलेंगे। चुनाव के पहले शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, लाडली बहनों के खाते में अब 2,000 रुपए आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने अभी चुनाव में से पहले लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आगे चलकर इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि बिटिया की शादी के लिए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी बिटिया है तो उनकी शादी के लिए मिलेंगे पूरे 15 लाख रुपए। जानकारी संपूर्ण आपको वीडियो में आगे चलकर मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रोजाना मध्य प्रदेश से रिलेटेड ऐसी ही खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। अगली बड़ी खबर के बारे में दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को मिलेगी सिलाई मशीन। जी हाँ दोस्तों, सीएम ने की बहुत ही बड़ी घोषणा, ऐसे करना होगा आवेदन। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा। अगर आपके घर में महिला है तो किस तरीके से आपको सिलाई मशीन मिलेगी, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि अगर आपके पास भी है राशन कार्ड, जी हाँ, अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड धारकों को शिवराज सिंह मामा का बड़ा तोहफा, अब हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए सीधे उनके खाते में। आज रात 12 बजे से पहले क्रेडिट होंगे उनके खाते में 4,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपके भी घर में राशन कार्ड है, अगर आप राशन कार्ड के द्वारा जो है राशन लेते हैं तो सीधे तौर पर आपके खाते में जो है ये पैसा डाला जाएगा। अगली बड़ी खबर के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों का होगा किसान कर्ज माफ। जी हाँ, चुनाव से पहले मामा ने किसानों को दिया बड़ा उपहार, कल से किसान कर्ज माफी प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राज्य में जो है किसान कर्ज माफी प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, मामा ने जो है कल से ये सारी प्रक्रिया शुरू की है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपने भी किसान कर्ज ले रखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारा चैनल जो है गिववे कर रहा है, जिसमें जो भी हमारे वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो हमारे चैनल के द्वारा जो है पहले 10 व्यक्तियों को जो है ओप्पो रीनो सैमसंग वन प्लस का मोबाइल दिया जा रहा है। तो अगर आपको अभी तक मोबाइल नहीं मिला है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। और अगर आप फोन जीतना चाहते हैं तो आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आप कौन से जिले से इस खबर को देख रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगली खबर के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि गैस सिलेंडर वालों की बल्ले बल्ले, अब सिलेंडर 1,200 रुपए नहीं जबकि मिलेगा 700 रुपए में। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर धारकों को बड़ा तोहफा जो है शिवराज सिंह मामा ने दे दिया है, तो किस तरीके से आपको जो है गैस सिलेंडर अब 700 रुपए में मिलेगा, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी आगे चलकर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि सीएम मामा ने मध्य प्रदेश में 100 यूनिट तक किया सभी बिजली बिल धारकों का बिजली माफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में जो है 100 यूनिट तक का बिजली बिल आता है तो अब आपको बिजली बिल नहीं भरना होगा। बिजली बिल धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपहार जो है सीएम मामा ने यहाँ पर दिया है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी विस्तृत जानकारी आगे चलकर वीडियो में दी जाएगी। तो किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ लेना है वो भी आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बता दें कि राज्य में चुनाव से पहले मामा ने सभी बेरोजगारों को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, एक परिवार एक सरकारी नौकरी के तहत सभी बेरोजगारों को मिलेगी राज्य में सरकारी नौकरी। तो दोस्तों अगर आप 5वीं पास है 8वीं पास है 10वीं पास है और अगर आप बेरोजगार है तो किस तरीके से आपको जो है रोजगार मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, राज्य में सरकारी नौकरी में नहीं है, तो इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको आगे चलकर मैं वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है सरकारी नौकरी मिलने वाली है। आज रात से जो है इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, वो भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी वीडियो में आगे चलकर मिलेगी। अगली बड़ी खबर के बारे में बता दें दोस्तों की मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना के तहत सभी गरीबों के खाते में आएंगे 75,000 रुपए। आज रात 12 बजे से पहले सभी गरीबों को मिलेगा इसका फायदा। तो दोस्तों अगर आप
गरीब है, अगर आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला है, खाते में पैसे नहीं आए, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो है लाडली योजना के तहत 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए देने का जो है घोषणा कर दी है। अगले महीने से लाडली बहनों को जो है 1,000 रुपए की जगह मिलेंगे 2,000 रुपए। जी हाँ, तो अगर आपको अभी तक इस योजना का फायदा नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, जिससे कि हम आपकी बात जो है मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुंचा पाए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके घर में बेटिया है, बेटिया की शादी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है 15 लाख रुपए सीधे तौर पर आपके खाते में दिए जा रहे हैं। फॉर्म भर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पर जाके आपको आवेदन करना है, जिससे कि आपकी बिटिया की शादी के लिए जो है आपको 15 लाख रुपए तक की राशि यहाँ पर मिल सके। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.shivrajsinghchauhan.com.in पर आपको जाकर बिटिया की शादी के लिए आवेदन भरने पड़ेंगे, वहां से जाकर आपको जो है इस योजना का फायदा मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों अगर आपको बता दूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो आधार कार्ड धारकों के लिए शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसमें हर महीने आधार कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में सीधे तौर पर दी जाएगी। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और अगर आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है, मध्य प्रदेश के निवासी है, मध्य प्रदेश की नागरिकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास आपको जो है शिवराज मामा जो है सीधे तौर पर खाते में 1,000 रुपए देने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आपको संपूर्ण इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप किसान हैं, अगर आपके खाते में 2,000 रुपए नहीं आए हैं, तो किस तरीके से आपको 2,000 रुपए सीधे तौर पर मिलने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आपको मैं देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान कर्ज माफी का जो है काम चालू हो चुका है, राज्य में इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है, जिससे कि आपका भी किसान कर्ज पूरी तरीके से माफ हो जाए। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इसके लिए आपको www.officialkisankarjmafi.com की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारा के सारा किसान कर्ज जो है यहां पर सरकार द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके पास गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर धारकों को किस तरीके से 700 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको 150 रुपीज की सब्सिडी भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई है। चुनाव के पहले भारी भारी घोषणाएं, यहाँ पर भारी योजनाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई है, जिससे कि गरीबों के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का बोझ ना पड़े। जैसा कि आप सभी को पता है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, और चुनाव के पहले जो है शिवराज सिंह चौहान यानी कि बीजेपी ने जो है 700 रुपए में जो है गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, घोषणा की है, लाइव आकर उन्होंने यहाँ घोषणा की है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही में किस तरीके से आपको जो है आने वाले अगस्त के महीने से जो है गैस सिलेंडर 700 रुपए में मिलेगा, उसकी जानकारी भी आपको वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले। साथ ही में दोस्तों बिजली बिल को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 यूनिट तक की बिजली बिल यूज करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर 100 यूनिट से ज्यादा बिजली अगर आप यूज करते हो, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं, आपको कहां पे जाके आवेदन करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये है दिन भर की बड़ी खबरें।